हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जो है टेक्नोलॉजी बूस्टर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो इंस्टेंट ई पैन कार्ड है उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन, और 10 मिनट के भी अंदर आप उसे कैसे अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा ये पूरा प्रोसेस। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको SD कार्ड के बारे में जानना है हिंदी में, या फिर बैटरी सेविंग टिप्स के बारे में जानना है, या फिर पॉपुलर स्मार्टफोन मिस के बारे में जानना है, तो ये जो तीनों अलग अलग वीडियो हैं हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप इन तीनों वीडियो को भी देख सकते हैं, और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप ये अपने इंस्टेंट ई पेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेप वन से शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप है, वो आपको विज़िट करना पड़ेगा इनकम टैक्स ई फिलिंग पोर्टल में। वहाँ पे आपको कुछ क्विक लिंक्स का एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ से आपको इंस्टेंट पैन थ्रू आधार का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो जब आप ये कर लेंगे, उसके बाद आपको स्टेप टू करना है, उसमें आपको गेट न्यू पैन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर स्टेप टू करने के बाद आपको स्टेप थ्री में, जब आप गेट न्यू पैन का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे तो उसको उसके बाद आपको एक पेज खुलेगा। स्टेप थ्री में आपको वहाँ पर जो है अपना आधार कार्ड नंबर और एक कैप्चा फिल करना है, उससे आपका जो है एक OTP जनरेट होगा आपसे आपके आधार से लिंक्ड जो मोबाइल नंबर है उस पर। उसके बाद स्टेप फोर में आपको क्या करना है कि आपको अपना OTP को वैलिडेट करना है, वेरीफाई करना है। स्टेप फाइव में आपको क्या करना है, फिर आपके जो आधार डिटेल है उसको वैलिडेट करना है, वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको स्टेप सिक्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप अपनी ईमेल आईडी को भी वैलिडेट कर सकते हैं अपने पैन कार्ड के लिए। फिर आपको स्टेप सेवन्थ में, जब ये आप इतना सब कर लेंगे 6 स्टेप, तो आपका जो आधार डिटेल्स है, आधार EKYC डेटा है, उसके ज़रिए आपका पैन कार्ड बन जाएगा। उसके बाद आपको ई पैन कार्ड जो है अलॉट हो जाएगा, ई पैन अलॉट हो जाएगा आपको। फिर जब ये अलॉट हो जाएगा तो स्टेप एट में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना पैन कार्ड आपको डाउनलोड करना है। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर चेक स्टेटस और डाउनलोड पैन, वहाँ पर आपको जाना है और आपको अपना आधार नंबर डालना है, और उसके बाद आपको अपना जो पैन कार्ड है वो डाउनलोड कर लेना है। वो भी आपका जो है PDF के फॉर्मेट में आपका डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है, तो ये आपकी ईमेल आईडी पे भी आपको मिल जाएगा PDF के फॉर्मेट में। तो दोस्तों, इस 8 स्टेप्स को आप फॉलो करके अपना जो इंस्टेंट ई पैन कार्ड है वो आसानी से अप्लाई करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पर ये पूरा प्रोसेस करने से पहले आपको कुछ 4 पॉइंट्स है वो आपको माइंड में रखने पड़ेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कि ये जो पहले तो ये पहला पॉइंट है कि ये पूरा प्रोसेस एकदम फ्री है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको। फिर दूसरा जो पॉइंट है, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट आपका रिक्वायर्ड नहीं है, खाली आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको इसमें अपलोड नहीं करना पड़ेगा। और जो थर्ड जो पॉइंट है वो है कि ये जो प्रोसेस है ये न्यू कस्टमर के लिए, अगर आपने पहले कभी पैन के लिए अप्लाई किया है तो आप ये नहीं कर सकते। अगर आपने आज तक कभी नहीं किया तो ही आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि फ़ोन नंबर जो आपका है वो लिंक्ड होना चाहिए आधार कार्ड में, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसमें प्रॉपरली रजिस्टर्ड होना चाहिए प्रॉपर फॉर्मेट में, तो ही आप ये पूरा प्रोसेस कर पाएंगे ऑनलाइन। दोस्तों, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कि किस तरह आप अपना जो पैन कार्ड है इंस्टेंट पैन कार्ड वो अप्लाई करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप ये जो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे और इसे डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इससे हेल्प मिली या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।